वेलकम एवरी वन, आई एम हैदर रजा। लेट्स बिगिन यूनिट नंबर 5A। आवर लर्निंग आउटकम्स आर एट द एंड ऑफ दिस यूनिट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं और हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसमें ये सीखेंगे। रिकैप कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हमने जो प्रीवियस यूनिट में किया था उसका छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। दो सेट है, एक सेट 1, 2 है, दूसरा सेट 3, 4 है, और फाइंड करना है देन ए क्रॉस बी। तो क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी, हमने पहले सेट ए लिखा, क्रॉस लिखा, दूसरा सेट लिखा बी, देन 1 with 3, 1 with 4, 2 with 3, 2 with 4। देखिए हमारे पास 1 with 3, आपने ब्रैकेट यूज़ करे राउंड ब्रैकेट, फिर 1 with 4, फिर सेकेंड एलिमेंट जब इसकी कंप्लीट होएगी क्रॉस, ठीक है, तो फिर दूसरे एलिमेंट के बारे 2 with 3, देन 2 with 4, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। हमारे पास सबसेट्स, आपको मालूम है सबसेट किस तरह फॉर्म करते हैं। अगर मुझे सेट ए के सबसेट निकालने तो आपको मालूम पहला सेट क्या होगा, नल सेट। सबसेट्स आर द फर्स्ट सेट इज नल सेट, सेकेंड इज 1, थर्ड इज 2 और फिर 1, 2। ये जो भी सेट्स हमने बनाए हैं, ये जितने भी सेट्स हमने बनाए ये इसके अंदर कंटेन करते हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 1 ऑलरेडी इज हियर, 2 एंड 1, 2 इसके अंदर लाइक करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं। तो ये क्या है सबसेट। दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम अभी टॉपिक शुरू करने आ रहे हैं इसके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट का होना। बाइनरी रिलेशन देखते हैं क्या है। अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बाइनरी रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, अगर सेट ए और सेट बी का आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसका सबसेट हो कोई भी सेट, तो क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, फाइंड ओनली 2 बाइनरी रिलेशंस। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। आपने क्रॉस निकाला 1 a with 1 a with 2 a with 3 b with 1 b with 2 b with 3, ए क्रॉस बी आ गई। अब हमें फाइंड ओनली 2 बाइनरी रिलेशंस, 2 बाइनरी रिलेशन निकालने मतलब दो सबसेट बनाने हैं। मतलब लेट आर वन इज इक्वल टू आर फॉर रिलेशन, आर का मतलब क्या है, रिलेशन। एक आर वन हमने सपोज किया, उसमें से कोई भी 2, 1, 3, 4 ना लें, एम्प्टी ले लें, आपकी मर्जी है। इसका सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। इसके एलिमेंट्स में से क्या होगा, इसके कंटेनर। आपने मैंने ऐसे ले लिया 1, 2, a, a, 1 और a, 2, देन आर वन इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ये क्या है, बाइनरी रिलेशन है इन ए क्रॉस बी। लेट सपोज आर टू, दो रिलेशन लेने थे, एक आर वन और एक आर टू, b, 3 मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ से लास्ट में से, तो ये भी हमारे पास क्या, बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, फाइंड ओनली 3 रिलेशन। हमने यहाँ आर वन आर टू लिए थे क्योंकि 2 की बात हो रही है, 3 लेने हैं हमें कोई भी 3 सबसेट। ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, पहला सेट मैंने ले लिया नल सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर नल सेट भी कंटेन करता है, होता है सबसेट होता है। तो आर वन इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। आर टू आपने कोई भी दो ले लिए, ए वन बी वन ले लिए, मेरी मर्जी थी, मैंने ए वन बी वन ले लिया, आप ए वन ए टू ले लीजिए, बी वन बी टू ले लें, आपकी मर्जी। और मैंने तीसरा सेट ले लिया, सारे एलिमेंट ले लिए, तो ये आर वन आर टू आर थ्री, ये 3 बाइनरी रिलेशन हो गए इन ए क्रॉस बी, ठीक है, सबसेट होना ज़रूरी है। अब इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, फाइंड रिलेशन। अब आपको ऐसे रिलेशंस निकालने हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है रिलेशन की, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जो भी ए और होंगे बिलोंग्स करेंगे ए से, और जो वाई की वैल्यू है दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एक्स। हमें ऐसे रिलेशन चाहिए। और कौन सा रिलेशन चाहिए, इसमें वाई बराबर हो एक्स के। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्रॉस निकाला, अच्छा यहाँ पे कोई हमारे पास सेट नहीं था, ओनली 1 सेट था, एक सेट था हमारे पास ए, बी नहीं था। अगर बी होता तो हम ए क्रॉस बी निकालते, जब कोई नहीं होगा तो हम उसी का क्रॉस निकाल देंगे, ए क्रॉस ए कर देंगे। तो क्या आ जाएंगे, 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3। क्रॉस फाइंड करने के बाद अब हमें पार्ट 1 में कौन सा सेट चाहिए जिसमें जो ऑर्डिनेट है वो बड़ा हो एक्स से। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम है, बराबर हैं, तो बड़े कौन से हमारे पास, ये बड़ा है इससे 3, 1, ये छोटा है यहाँ पे, तो जो बड़े बड़े हैं मैं उनको हाईलाइट करूँ। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, ऑर्डर एन एपसी सा, ये हमारे पास बड़ा है और ये हमारे पास। तो लेट आर वन इज इक्वल टू, हमने सीधा वाले को कॉपी किया, और जो रिलेशन था हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 1, 3,
2.3। अच्छा 3.3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये नहीं आएगा, हमें बड़ा चाहिए, ठीक है। तो इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। एक दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों क्यों बराबर हों, तो जैसे 1.1, 2.2 और 3.3 इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। अब बोलते हैं राइट ऑल बाइनरी रिलेशन, इसके ऑल बाइनरी रिलेशन चाहिए, तो सेट हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे। अब ऑल निकालने के लिए आपको मालूम है कि 2 रेज टू पावर, मतलब सबसेट इसके मालूम करने हैं, जो सेट है हमारे पास ए क्रॉस ए, इसके कितने सबसेट फॉर्म होंगे। ऑल मीन्स ऑल सबसेट, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 कर दिया, मीन्स 16 सबसेट विल बी फॉर्म। तो स्टार्ट फ्रॉम नल सेट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बी कॉमा बी। अब जो आगे बनाने जाएंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए आप कुछ जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए। करना ही है हमें पहली कि ये पोजीशन क्या, फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है सेकंड एलिमेंट, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ। अब हम दो दो के सेट बनाएंगे, मतलब दो एलिमेंट होंगे जिसमें फर्स्ट पोजिशन पर ए कॉमा ए होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, ठीक है फर्स्ट पोजिशन पर। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप अपनी दो फिंगर्स लें आखिर के दो सेट पे, इन दोनों पे फिंगर्स रख लीजिए, इन दो को हाइड कर लें। तो दो का सेट आपको क्या नज़र आ रहा है, ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा बी, तो ये R6 हो जाएगा हमारे पास, देखिए नीचे ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा बी। अब आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमें क्या रखना है, ए कॉमा ए रखना है। अब आप ए कॉमा फिंगर एक अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको चेंज करके आप कहाँ कर लेंगे, सेकेंड एलिमेंट पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट पे थर्ड, यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट में क्लोज होगा फिर ब्रेसेस, फर्स्ट विथ सेकेंड, फर्स्ट विथ थर्ड एंड फर्स्ट एलिमेंट विथ फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट विथ सेकेंड, फर्स्ट विथ थर्ड एंड फर्स्ट विथ फोर्थ एलिमेंट, ये इसकी हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है सबसेट आ जाएंगे। फिर R9 हमें बनाना है, तो हमें अब ए की, मतलब हमारे पास सबसेट तो फॉर्म हो गए, अब हम बी के ए कॉमा बी के सबसेट फॉर्म करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ए कॉमा ए के ऊपर आप अपनी फिंगर रख लीजिए, ठीक है। अब ए कॉमा बी को पहली पोजीशन पे रखेंगे, ए कॉमा बी इसको सपोज कर लें फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट विथ सेकेंड, फर्स्ट विथ थर्ड, देखिए फर्स्ट विथ सेकेंड, ए कॉमा बी विथ, यहाँ पे R9 आ रहा है, ए कॉमा बी विथ बी कॉमा ए, देन ए कॉमा बी विथ बी कॉमा बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया ए कॉमा बी का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप दोनों फर्स्ट और जो सेकंड एलिमेंट जो ए क्रॉस ए के, दोनों पे फिंगर रख लेंगे ऊपर, इन दोनों को छुपा दें। अब क्या आएगा, बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी, ये R11 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको छुपाता हूँ थर्ड एलिमेंट को, तो बी कॉमा बी बनेगा, मैं दो के बनाने थे, अब दो कंप्लीट हो गए, दो दो के, अब तीन तीन के बनाएंगे, तो पहले आप तीन ले लें, 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 के बाद आप क्या करेंगे, इसमें पोजीशन चेंज करेंगे आप किसकी, थर्ड एलिमेंट की, बी कॉमा ए को हटाएंगे आप और बी कॉमा बी रख देंगे यहाँ पे, नहीं बी कॉमा बी हटा, बी कॉमा ए हटाया, बी कॉमा बी रख दिया, देन ए कॉमा ए बी कॉमा ए बी कॉमा बी, और हमारे पास 15 आ जाएगा, हमारे पास ए कॉमा बी बी कॉमा ए बी कॉमा बी एंड, और 16 आ जाएगा इसका इम्प्रॉपर सबसेट, जो कि पूरा का पूरा वही आ जाएगा। कोशिश करें इसके लिए करने के लिए अपनी लॉजिक्स लाएं, अपनी लॉजिक्स के तहत इसको करेंगे ये, तब समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हर किसी की अपनी डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं, उसके तहत एक बंदा कर रहा होता है। इसको एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, होपफुली चौथी बारी में आप पूरे के पूरे सबसेट इसके फॉर्म कर लेंगे अपनी ओन लॉजिक्स के तहत, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था, पहली फिंगर रख लें, दूसरी फिंगर रख लें, अगर वो बात समझ में आती है आप उस लॉजिक से थ्रू करें, ट्राई टू क्रिएट योर ओन लॉजिक, ठीक है। ये हमारे पास 16 इसके सबसेट्स फॉर्म हो गए, देखिए यहाँ पे 16 है, 16 बस, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन था। जितने भी सेट हमने बनाए 16, ये किसके सबसेट हैं, ए क्रॉस ए के सबसेट हैं। कंक्लूजन, हमने पढ़ा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इज जस्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। कार्डिनलिटी किस तरह निकालते हैं हम बाइनरी रिलेशन की, ये हमने पीछे सीखा, और साथ में हमने देखा कि अ पॉसिबल बाइनरी रिलेशन अ सेट कंटेन टू एलिमेंट, ठीक है।
इन नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 5 बी वी विल लर्न अबाउट डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन. डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है. 5 बी में और 5 में हम ये सीखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या है. ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपके समझ में आया होगा. डू मच जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिएगा. ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछ लें और रेफरेंसिंग ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच.